हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी सवेरे हो गई है, मेरे नए दिन की नई शुरुआत। और अभी दीपक लोग सो रहे हैं, नव्या भी सो रही है। मैंने आज इन लोग सोए रहे तो फिर मैंने फटाफट सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा, अपना नहाना धोना। और यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े धोने को लगा रखा है, तो अभी ये भी हो जाएगा। इनके उठने तक के कपड़े भी मेरे धुल के सूख जाएंगे। और ये देखो चाची आ गई। कहाँ जा रहे सुबह सुबह रे? चाची का भी काम चालू हो गया। यहाँ आज किसी को टाइम ही नहीं रहता है, सुबह सुबह सब खेत में रहते हैं। मम्मी भी नहीं है, मम्मी पीछे गई है थोड़ा सा काम करने, पापा मार्केट गए हैं। और मैं अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया है, कल से जब धान का काम था तो सब जल्दी जल्दी 8 बजे ही नाश्ता कर लेते थे तो फ्री हो जाते थे। और अब सब यहाँ वहाँ है, अब आराम से ही नाश्ता करेंगे। और यहाँ पर मम्मी ने बस एक मुर्गा बस खोला है, क्योंकि मुर्गियाँ उड़ उड़ के बाहर चली जाती हैं। मुर्गा थोड़ा बड़ा है ना, तो फिर ये ऊपर से कूद नहीं पाता है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। और मुर्गी और चूजों को अंदर ही सारा दाना पानी दे दिया है, इनको थोड़ी देर से खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। यहाँ नव्या भी आ गई है। हेलो नव्या, हाय बोलो। और आज बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप आई है, बहुत उमस हो रही है। और यहाँ देखिए ताई अपने खेत के कटहल ले आई है, पेड़ के अचार बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए। हाँ की माया मोह छड़ी सही बात है, माया मोह के जाल में फंस गई ताई। ये सब डालेंगे अचार इतने कटहल का, हम लोग छोटी ताई, बड़ी ताई, ये हमारी चाची, सब लाइन से खड़े हैं कि ताई फटाफट पीस करे और फिर इसमें काम में लग जाएं। अरे दादी उठा 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 आजा दादी। दादी ने कभी कौन कह थी ताई आज कैसा मौका मिला कटहल बनाने का, कुछ बताएंगे? फुर्सत हो गई ना, धान छाड़ी, अब धान छवाई से फुर्सत हुई तो हमने सोचा कि अचार बन जाएगा, धूप भी अच्छी आ रही है, अचार का काम हो जाएगा। चाकू भी खो गया मेरा। चाकू कहाँ गया? ढूंढो दादी की चाकू कहाँ गई? अब बच्चों के लिए ठहरा बनाना ठहरा। ओ मम्मा चाकू दादी क्या है नव्या, देखो क्या है ये। हम तो बुझे हैं, हम खाते नहीं, हमको पछता भी नहीं। बाबा मामा हाँ तो ताई कहाँ कहाँ देंगे आप ये अचार बना के? अब देंगे मामा क्या, बहू को, बड़े लड़के को, छोटे बहू को, छोटे लड़के को, अपनी लड़की को, और भी कितने आ जाएंगे। मम्मी ये कौन है? ये कौन है? पानी दिखा दे, पागल हो पहले ये पानी में डालो, तो भी लग रहा काटो जा काटो। कटहल बनाने की विधि, पहले इसको काटा साफ करके, फिर उमाला थोड़ा हल्का गुनगुने पानी में, फिर सुखाया धूप में, उसके बाद डब्बे में डाल के मसाले मिलाए, उसके बाद थोड़ा तेल डाला, उसके बाद इसको डब्बे में डाल के ला के डब्बा बंद कर दिया। डब्बा टाइट होना चाहिए, उसका ढक्कन थोड़ा गिला दूध नहीं होना चाहिए, और कवर छिलना ना ताई, बगन से लेकर अपना ले आ रहे हो, बढ़िया है इतना ठीक है। देखो और मोटा छिल लेना ना, ये भगा देता हूं मैं। वो वाला कटहल साउ लोगों का तो पूरा ऐसे ये था ही नहीं, इसमें बाल वो था, बस बक्खल बक्खल, कोई तो अच्छा होता है। लेकिन उसकी सब्जी इतनी अच्छी नहीं हुई यार, हल्के सब्जी में तो दो यहाँ इसमें तो ज़्यादा ये नहीं। वो लिया हुआ नया मोबाइल अच्छा लग रहा है।
अरे हमारे खेत में घास देख तुम। निम्मो मैंने कौन सी पोएम सुनाई थी? मैंने कौन सी पोएम सिखाई नव्या? मम्मा को भी बताओ। मछली मुझे भूल गई यार ये लड़की। पुलिस कौन सी पोएम सिखाई दादी ने? चाची लोगों के खूब बड़े बड़े पेड़ हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे ये आम का पेड़ है ना, इतना बड़े बड़े तीन है चाची लोगों के। कटहल के पेड़ बहुत, उसमें तो एक कटहल के पेड़ में कम से कम 20-25 कटहल तो होती होंगी ना, इससे भी बड़े बड़े 40-50। खा तो पाते नहीं इतने, कैसे खाएंगे? थोड़े बहुत खाते हैं फिर बेच देते हैं बाजार में। हाँ थोड़ा रिश्तेदारी में दे दिए, कभी कोई आया किसी ने मांग लिया गांव वाले ने, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत बांट देते हैं, थोड़ा अचार डाल देते हैं। कटहल के पीसेस कर दिए हैं, आपको जितने बड़े टुकड़े चाहिए है आप उस हिसाब से पीस काटिएगा। यहाँ दूसरी तरफ हमने पानी गरम करने को रख दिया है। अब इस कटहल को हम गरम पानी में डालेंगे, ज़्यादा हमें उबालना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए ही गरम पानी में डाल के निकाल लेंगे। कटहल को यहाँ धूप में ऐसे फैला के डाल दिया है और आज धूप बहुत ज़्यादा तेज है, कटहल का अचार बनाने के लिए ये बहुत सही धूप है। कटहल को हम शाम को 4:30 बजे करीब उठा लेंगे, तब तक इसको धूप में ही रहने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटहल धूप में थोड़ा सुखा दिया हमने इसको 2-3 घंटा और ये अब इस टाइप के हो गए हैं। अब हम इसको डाल रहे हैं एक बड़े बर्तन में। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गोल्डी पिकल अचार मसाला, इस पैकेट में ये 2 अचार मसाला मिले हैं, शायद एक अमचूर है और एक ये मसाला ही है पूरा मिक्स, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मसाला पीसने का, राई सौंफ वगैरह, तो आप ऐसा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। इस तरीके से अचार मम्मी आज से करीब 10 साल से ही डाल रही हैं और ऐसे ही डालती हैं, हर साल हम लोग भी लेकर के जाते हैं और
सब जितने भी मम्मी के रिश्तेदार हैं, दीदी लोग और बहन लोग, भाई लोग, सब मम्मी से ही कहते हैं कि कटहल का अचार डालोगी तो हमें देना, हमें देना। तो फिर आप लोग भी देख लीजिए इस तरीके से मम्मी हर साल अचार डालती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। इसमें ज़्यादा कुछ हमें तामझाम नहीं करना है, बस जो थोड़ी सी मेहनत होती है वो बस कटहल छिलने में ही होती है। उसके बाद तो प्रोसेस बहुत आसान है, हल्का सा उसको बॉईल करो, थोड़ा सा सुखाओ, फिर उसमें सारे अपने मसाले जो जो आप खाते हैं, जो अचार में हम यूज़ करते हैं, और आम का अचार, मिर्च का अचार, तो वो ही मसाले डालना है। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप बाज़ार से रेडीमेड मसाला भी ला करके डाल सकते हैं। देखिए मम्मी ने सारा अचार का मसाला मिक्स कर लिया है, और इसे अब डब्बे में रख देंगे हम अंदर ही। मम्मी कभी भी अचार धूप में नहीं रखती है, ऐसे मसाला मिला करके अंदर ही रख देती है। अब ये अचार जो है वो 3 से 4 दिन में खाने लायक हो जाएगा, और ये अचार कम से कम 1-1.5 साल तक चलता है हमारा, और बिल्कुल स्मेल नहीं करता है। जैसा है ये बिल्कुल वैसा ही रहता है। अचार जो है वो हाथ लगाने से ख़राब होता है, तो कोशिश करिएगा कि कभी भी अचार में हाथ ना लगाएं, और अगर आप अचार निकाल रहे हैं तो फिर चम्मच का ही यूज़ करें। अब हम इसे एयर टाइट ढक्कन से बंद कर देंगे और रख देंगे किनारे। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा आज का कटहल के अचार की रेसिपी जो मैंने आपको दिखाई। आई होप कि आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो लास्ट में लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, और लोगों के कमेंट्स आते हैं, लाइक मिलते हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ी सी मेहनत हमारी रंग ला रही है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।